दोस्तों आज मैं आपको फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के लिए हमारी जो शॉर्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो फिक्स होते हैं, बट क्या होता है कि एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको शॉर्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर आइडियल जो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कैसे हमेशा याद रख सकते हैं वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। बस आप इधर ध्यान दीजिएगा, आपको अभी याद हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या सीखने जा रहे हैं आज? एग्जाम्पल ऑफ आइडियल, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको याद करने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में लॉजिक होना चाहिए। तो मेरा लॉजिक क्या, हमेशा याद रखने के लिए एग्जाम्पल्स वो होंगे जिनमें निकट और बहुत गहरा प्यार होगा। तो आपसे मैं निकट और गहरा प्यार, अगर हम जनरल एग्जाम्पल्स बोलें तो हम जब भी राधा का नाम बोलते हैं तो साथ में कृष्ण का नाम आता है, जब हम सीता बोलते हैं तो राम का नाम याद आता है, हम जब बोलो हीर बोलते हैं तो रांझा का नाम याद आता है। ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में भी अगर मैं एक कोई एग्जाम्पल बोलूं तो उसके साथ में उसका जो एडिशन साथ में आता है वही दोनों मिलाकर हमारे इसके एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में हमेशा दो कंटेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो यहां पर जब भी हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपको हमेशा एग्जाम के अंदर दो एक साथ मिलेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा आपको थीम क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा निकट तथा बोलो गहरा बोलो प्यार वाले बोलो इसके एग्जाम्पल होंगे। कैसे इस थीम को समझना, जैसे मैंने पहला लिखा, अगर मैं लिखता हूं मेथेनॉल, क्लियर, तो तुरंत आपको याद आएगा इसके साथ निकट और गहरा प्यार किसके साथ होता है, एथेनॉल। तो मेथेनॉल और एथेनॉल किसका एग्जाम्पल हो गया, आइडियल सॉल्यूशन का। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जब भी हम बोलो केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन कभी बोलते हैं तो तुरंत हमारा नाम कौन सा साथ में याद आता है, टोलुइन आता है। क्या आता है, बोलो टोलुइन। क्लियर? तो बेंजीन और टोलुइन भी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन के। इसी तरह से हम केमिस्ट्री में जब भी क्लोरोबेंजीन बोलते हैं तो साथ में किसका नाम आता है, ब्रोमोबेंजीन का। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बोलो एंड ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से मैंने आपको कहा हम केमिस्ट्री के अंदर नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं तो तुरंत साथ में कौन आता है, नॉर्मल हेप्टेन। तो क्या लिखा मैंने, नॉर्मल हेक्सेन एंड क्या लिख सकता हूँ, नॉर्मल हेप्टेन। क्लियर? ओके, इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो मैंने कहा जब भी हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं तो उसका निकट संबंधी कौन होता है, SiCl4। बोलो क्या लिखा मैंने, CCl4, तो साथ में कौन आ जाएगा, बोलो आपसे मैं कहूं कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सिलिकॉन, निकट और गहरा गहरा प्यार। क्लियर? इसी तरह से और एग्जांपल देखें तो मैंने कहा एथिल, बोलो मैं जब भी बोलो क्लोराइड बोलता हूं तो एथिल ब्रोमाइड भी साथ में नाम आता है। क्या बोला मैंने, एथिल, बोलो आपको मैंने कहा क्लोराइड। क्लियर? तो क्या आएगा, बोलो साथ में उसका निकट एथिल ब्रोमाइड। क्लियर? आई होप आप समझ गए होंगे, C2H5Cl एंड C2H5Br। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा अगर मैं एथिल ब्रोमाइड बोलता हूं तो एथिल आयोडाइड भी आता है। क्लियर? क्या लिखा मैंने, बोलो एथिल ब्रोमाइड, क्लियर, एंड एथिल बोलो एथिल आयोडाइड। क्लियर? ये वो मैंने एग्जाम्पल लिख दिए C2H5Br एंड C2H5 बोलो आपको मैं कहूँ I। क्लियर? और यहाँ पर C2H5Cl एंड C2H5Br, ये मैंने 7 एग्जाम्पल बताए। अगर आपको मेरा तरीका समझ में आया हो कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल याद करने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, जो निकट होंगे और जिनमें गहरा गहरा प्यार होगा, यानी केमिस्ट्री के अंदर एक का नाम ले तो दूसरा है, जब भी हम बेंजीन नाम लेते हैं तो टोलुइन साथ में आता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल याद होंगे। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो मैं शॉर्ट वीडियो में ये लेक्चर से ये एग्जांपल याद कराना चाह रहा हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। ये आपको जो सारे एग्जांपल ये वाला जो मैटर है वो आपको हमारे डॉक्टर मेहता क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको वहां से आप इनको नोट कर सकते हो। अगर आपको ये एग्जाम्पल याद हुए हो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इसी तरह से निरंतर आपको शॉर्ट वीडियोस के द्वारा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।